Assalamualaikum and welcome back to my channel. तो आज well आज तो नहीं कल हमारे पास फिर से storm आया, फिर से बहुत ज़्यादा snow हुई, हवा चली, लेकिन शुक्र है किसी की light नहीं गई. Anyways, तो मैं कर रही थी नाश्ता तैयार. तो आज मेरा ज़रा mood बना था हलवा पूरी छोले के लिए, जो भी होता है. तो वो मैं बना रही थी. सबसे पहले मैंने चने दिमाग में नहीं आ रहा क्या बोलो, चने पकाने के लिए रखे हुए थे. हाँ, फिर उसके बाद आटा सबसे पहले मैंने गूंद दिया था और फिर उसको रस करने के लिए रखा हुआ था. फिर अभी यहाँ पे मैं चने बना रही हूँ, साथ में हलवा भी मैंने रख दिया था. यू नो, हलवा और चने बन जाए, फिर पूड़ी करूँगी, वो जल्दी जल्दी हो जाएगी. यू नो, फिर ऐसा मेरा सिस्टम चल रहा था. और हलवे को बिल्कुल हमने लो आंच पे पकाना है, बिकॉज वी डोंट वांट टू बर्न इट. सो वो ही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि बहुत ही लो उस पे है. और ये चने का मसाला भी बन रहा है. और हैक फॉर चना इज आप कैन वाले चने यूज़ करें. आई डोंट हैव द यू नो टाइम एंड एनर्जी के मैं चनों को रात में भिगोऊँ, फिर उनको प्रेशर कुकर करूँ और वगैरह वगैरह. सो इजी ऑप्शन इज़ टू यूज़ द कैन वाले चने. एंड आई गेट माइंड फ्रॉम लाइक इधर देसी वाला स्टोर या अरेबिक स्टोर से, बिकॉज वो वाले सही से यू नो गले हुए होते हैं. द वंस फ्रॉम लाइक द अमेरिकन स्टोर्स, वो वाले सही नहीं होते, दे आर रियली हार्ड. पिछली बार मैंने वो यूज़ किए थे और मेरी इतनी बेइज्जती की सबने, क्योंकि दे आर सो हार्ड. बट एनीवेज, हमारा हलवा आलमोस्ट तैयार था. तो मैंने यहाँ पे ज़रा फूड कलरिंग ऐड की, यू नो, वो अच्छा ऑरेंज कलर आए जैसे बाजार में होता है, ताकि हलवा खाने में भी मज़े का लगे और दिखने में भी मज़े का लगे. तो वो भी हलवा भी बन गया और चने भी बन गए. बस तैयार ही है सब कुछ. चने क्योंकि हलवा पूड़ी वाले चने हैं, तो उसमें थोड़ा यू नो थोड़ा लाइक वारवी रखा है, थोड़ा पूरा उसको ड्राई अप नहीं करना था. एंड देन यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली भी रख दी. और यहाँ पे हलवे का भी मैं ज़रा वाटर ड्राई कर रही थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा वाटरी हलवा भी नहीं पसंद. और ये देखिए मेरा खूबसूरत सा हलवा तैयार है. और हलवे में मैंने कोई ड्राई फ्रूट वगैरह वो कुछ नहीं डाला, बिकॉज आई हेट दैट स्टफ. मुझे बस अपना हलवा प्लेन अच्छा लगता है. और ये छोले या चने जो भी के हैं, एक ही तो बात है. तो इनमें भी मैंने थोड़ा और वाटर ऐड किया, बिकॉज आई लाइक दम वाटरी. और फिर मैंने एक ये क्या देखा था, ट्रिक देखी थी कि आप अपने चनों को लाइक थोड़े से उनको पीस लो वह चम्मच, क्योंकि फिर वो ग्रेवी थिक हो जाती है. और फिर यहाँ पे मैं अपने पुड़िया तैयार करी थी. आई लाइक टू सब यू नो छोटे छोटे पेड़े बना के फिर उनको रोल आउट करके फिर अपनी कढ़ाई चलाऊं, बिकॉज उससे फिर इजियर हो जाता है. और यहाँ पे मैं चने भी तैयार थे, उनको भी मैंने डिश आउट कर लिया. फिर एक साइड पे मैंने चाय रखी और दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई रखी, क्योंकि जब तक हमारी पुड़िया बन जाएगी तब तक हमारी चाय भी बन जाएगी और नाश्ता भी तैयार हो जाएगा. सो यहाँ पे मैं अपनी पुड़िया को अभी रोल आउट करूँगी. पूड़ी साफ पूड़ी की एक ट्रिक जो मैंने सीखी है, वो आटे शाटे में कुछ नहीं डालना, कुछ भी नहीं करना. लिटरली मैं अपना जो आटा है वो पानी के साथ ही यू नो वो कर बनाती हूँ, और कुछ मैं दही या पता नहीं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालती. साफ करने का जो मैंने ट्रिक सीखा है वो है कि आप किसी भी आई हैव अ हॉट पॉट, तो मैं हॉट पॉट में फ़ौरन निकाल के हॉट पॉट में रख दो और उसके ऊपर लेड रख दो, क्योंकि वो गर्म रहे और उसकी स्टीम के साथ वो सॉफ्ट ही रहे. सो दैट्स द टेक्निक दैट आई हैव लर्न टू कीप माय पूरी सॉफ्ट. और अगर आपके पास हॉट पॉट नहीं है तो आप कोई भी बोल ले सकते हैं, उसमें एल्युमिनियम फॉयल रखें और फिर अपनी पूरी जो उसमें रखें और ऊपर कवर करें. दैट्स द मेन थिंग, कवर करना. और ये देखिए कितनी सॉफ्ट मेरी पूरी बनी है, माशाल्लाह माशाल्लाह. मैं कितने दिनों से क्रेव करी थी पूड़ियाँ, हलवा पूड़ी, और फाइनली मैंने अपने लिए आज बना ही ली. कोई और तो नहीं बनाएगा, मुझे बनाना पड़ेगा. सो ये अब सब कुछ तैयार हो गया था. अभी मैं डिश आउट कर रही हूँ. हम खाने के लिए तैयार हो गए थे एंड इट वॉज रियली रियली डिलीशियस. चने भी बहुत अच्छे बने थे. अपने मुँह से अपनी तारीफ अब मैं क्या करूँ, आप लोग कहेंगे झूठ की केयर कर रही है, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा बना था. ऐसा करने के बाद फिर मैंने किचन को क्लीन किया, सब डिशेज वॉश की, बस ये स्टोव रह गया था. आई ऑलवेज ट्राई के चाय ना गिरे, फिर भी गिरी जाती है. बट मैं लेट हो रही थी, मुझे जाना था. आज मेरे हस्बैंड का विजडम टीथ रिमूव होगा तो उनके साथ जाना है. सो मैं जल्दी जल्दी से आई अपने मेकअप रूम में. यहाँ पे मुझे अपना एपिलेटर लेके ज़रा अपने जो फेशियल हेयर और यू नो एक्सेसिव हेयर जो मुझे है पीसीएस की वजह से, पीसीएस का मेरा गर्क हो उसकी वजह से, तो वो मैं अपने हेयर रिमूव करने आई थी विद द एपिलेटर. एपिलेटर इज़ अमेजिंग. इट्स लाइक $30-$40 का है एंड लास्ट फॉर एवर. और बाल जो हैं वो ट्वीज होते हैं, सो दे कम आउट फ्रॉम द रूट और रूट से निकलते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट होती है. आई हैव सीन अ डिक्रीज इन माय हेयर एवरीवेयर, सो इट्स रियली अमेजिंग. आई हाईली रेकमेंड इट. एनीवेज, फिर मैं शावर लेके तैयार होके आ गई थी.
वापस मेकअप रूम में, बिकॉज थोड़ा सा मेकअप भी लगाना है, यू नो, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना है. तो यहाँ पे मैं तैयार श्यार हो गई थी, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का किया है बस, और हम निकल गए. स्नो भी थी, सो जल्दी जल्दी पहुँचना था. आई हेट के जग किसी जगह पे अपॉइंटमेंट हो और लेट पहुँचो, वो मुझे इतना बुरा लगता है. सो आई ऑलवेज ट्राई टू लीव अर्ली, भले मैं अर्ली पहुँच जाऊँ, मुझे लेट नहीं पहुँचना है. सो यहाँ पे ऑफिस में आ गए. ये कोजी सा क्यूट सा डेंटिस्ट ऑफिस है. मैं वेटिंग रूम में बैठी हुई थी जब तक मेरे हस्बैंड का टीथ रिमूव हो रहा था. सो वॉक करने के बाद फिर हम चले गए अम्मी के घर पे. अम्मी के घर पे हादिया और बाजी भी आए हुए थे. सब बच्चे यहाँ पे ये कैंटलॉप खा रहे थे, इतनी क्यूट लग रहे थे. हादिया पता नहीं क्या कह रही थी मुझे, आई फॉरगॉट, बट ये मैंने फिर मुझे ये कुछ पड़ा हुआ मिला, ये मैंने सर पे लगा लिया. आप लोग बताएं कैसा है. फिर डिनर, लंच डिनर पता नहीं क्या था, वो खा रहे थे. भाभी ने बनाए थे चावल और साथ में चिकन, एंड देन हम मेरे हस्बैंड के लिए खिचड़ी बनाई, बिकॉज ऑब्वियसली ही खाए ईरे बिकॉज छूट रिमूवल. फिर उसके बाद हम गए स्टोर, जाना था बाजी को और मेरी दूसरी सिस्टर को. तो हम आ गए एलडी और यहाँ से कुछ सामान लिया, और मुझे भी कुछ लेना था इसलिए भी मैं साथ आ गई. तो हम अंदर गए यहाँ पे. आई लव एलडी, एलडी में प्राइसेस भी बहुत अच्छे होते हैं और ऑप्शन भी बहुत अच्छे थे. लेकिन हम निकले एलडी से और हमारी कार की बैटरी मर गई. फिर हमें बुलाना पड़ा मेरे हस्बैंड को, फिर वो आए और हमारी हमने कार को जंप स्टार्ट लगाया ये केबल्स के साथ, और फिर शुक्र कार स्टार्ट हो गई. इट्स सो स्केरी जब आपकी कार बंद हो जाए आउट ऑफ नोवेयर, यू नो. लेकिन शुक्र है दिस वाज लाइक क्लोज टू आवर हाउस, तो वो जल्दी जल्दी 5 मिनट में आ गए. फिर कार ठीक हो गई और हम पहुंच गए घर. वहां पे फिर चाय बनी हुई थी, चाय के साथ कुकी भी थी, एंड देन चाय शाय पी के यहाँ पे हादिया मस्ती कर रही थी अपने टॉय के साथ, वेल हैदी के टॉय के साथ खेल रही थी. और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, कोई छुप रहे थे मेरे कैमरे से. फिर भी मैं उनको डालूंगी. ओके, दैट वाज इट, बाय.